में जाती है। काइट रेन मतलब एक ही धागे पे जितनी पतंग आप उड़ाना चाहे उतनी पतंग। और ये मेरे को आपको बताएगा मेरा भाई। तो सकरात आ रही है और सकरात पे सभी पतंग उड़ाते हैं, कहीं पे ज्यादा उड़ती है कहीं पे कम उड़ती है, सब जगह का अलग अलग है। जैसे अहमदाबाद में बहुत उड़ती है, हमारे ज्यादा नहीं उड़ती है। तो सिंपली पतंग उड़ाने में अकेले मजा नहीं आता है, तो मुझे अच्छा लगता है कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो मैंने पेपर में आता था पहले कि काइट ऐसे नरेंद्र मोदी सलमान खान 100-100 काइट एक साथ उड़ा रहे होते थे, तो मुझे लगता था कैसे उड़ाते हैं कैसे उड़ाते हैं। तो यूट्यूब पर मैंने बहुत सर्च करा तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। तो काइट ट्रेन जो थी वो बनाना है, कुछ प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पाया। तो मैंने इस पहले दिमाग से कुछ सोच सोच के ट्राई करा, बहुत पतंगें फट भी गई, नहीं भी उड़ पाई, लेकिन एक थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा परफेक्ट है, लेकिन मैंने 20-20 पतंग तक इससे उड़ाई है और बहुत अच्छे से उड़ती है। मैंने खुद डेवलप कराई है, वो मैं दिखा देता हूँ कैसे बांधते हैं। इसके लिए छोटी पतंग यूज़ कर रहे हैं हम, छोटी जितनी छोटी पतंग होंगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कर पाएंगे हम। इसमें 2 छेद यहाँ पे, 2 यहाँ पे, नॉर्मल पतंग की तरह। धागा मोटा वाला ले रहे हैं हम ताकि टूटे ना, इतना हैवी वजन पड़ने के कारण। इसको दोनों होल में डाल दिया अपन ने डबल करके। इसको सेम निकालेंगे और एक नॉट बांध देंगे अच्छे से टाइट। नॉट बन गई, 2 ये हैं, 2 धागे। एक धागे को वापस पीछे की तरफ ले जाएंगे उसी होल में से, ऊपर वाले होल में से। अब ये यहाँ से वापस आ गया। बेसिकली हमको करना ये है, जैसे हम एक साइड पे कन्ने बांधते हैं, जोते बांधते हैं, जो भी आप कहते हैं, हमें दोनों साइड पे बांधने हैं तो ऐसे इजीली बन जाते हैं। यहाँ पे टाई कर देना है और 2 गिठान लगाएंगे और इस साइड पे भी 2 टाई कर देना है। तो ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसमें छेद करना, गिठान बांधना, सब में धागा काट के बांधना। तो 2 जने मेरी हेल्प भी कर रहे हैं, मम्मी और श्रेया। तो जैसे ये बन चुकी है दोनों साइड से, आपको जितनी पतंग उड़ानी है उतने ये बांधने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बार में 10-20 पतंग मत बना दीजिए डायरेक्ट, तो संभलेगी नहीं आपसे, टूट जाएगी। पहले 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट कीजिए और फिर ज़्यादा में जाएगी। और ये है सूत का धागा, ये मिस्त्री लोग यूज़ करते हैं, मोटा होता है ये हम इसलिए यूज़ कर ले, नॉर्मल मंजा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उड़ाने का सोच रहे हैं तो मजबूती रहें, इसलिए हम इनको इससे बांधेंगे। ये वाली पतंगें जो कंप्लीट हो चुकी है, जिनके दोनों साइड करने बन चुके हैं, यहाँ पे एक नॉट और आएगी जो हम बांधते समय लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे हम। और ये इनकम्प्लीट पतंग यहाँ पे पड़ी है तो हम बस बांध रहे हैं। और इनको बांधना कैसे एक साथ, वो हम पतंग उड़ाएंगे उससे थोड़ा पहले बताएंगे आपको। हमने सीख लिया इसको बांधना, अब इसमें हमको नॉट लगानी है। दोनों साइड से हमने बांध दिया है, अब इसमें हम नॉट जो लगाएंगे, इक्वल पकड़ेंगे इसको, यहाँ से इक्वल कर लिया ऐसे, इक्वल, फिर इक्वल करके एक नॉट बांध देंगे। एक साइड नॉट बन गई है और दूसरी साइड है उसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, इक्वल लिया और नॉट लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइड नॉट लग चुकी है पतंग के इस, और ये जो पतंग का ऊपर का टिप है ये इजीली निकल जाता है, तो हमको उड़ते समय कोई दिक्कत नहीं आई इसको उड़ाते टाइम, इसलिए हम टेप लगा देते हैं जिससे सिक्योर हो जाए अच्छी तरीके से। अगर नीचे से भी कोई दिक्कत हो नीचे से भी टेप लगा सकते हैं आप। और पतंग का जो सिलेक्शन है आपको ऐसे करना है कि पतंग मोटी काप की होनी चाहिए, जैसे ये पतली काप की है तो ये नहीं चल पाएगी, ये हवा में इस साइड से हमारी डोरी होगी, इस साइड से बाकी सारी पतंग होगी, जब प्रेशर लगेगा इस पर तो ऐसे टूट जाएगी हवा में, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ये पतली काप की पतंग से टूट गई, आपको नॉट बांधने के बाद भी खींच के देखना है कि चल रही है या नहीं। जैसे ये पतंग है, इसकी नॉट बन गई है, हम इसे खींच रहे हैं तो इसकी डंडियों कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, और इसकी इसे हमने खींच के देखा तो ये
टूट गई। तो बांधने के बाद भी एक बार आप टेस्ट कर लीजिएगा। इन पतंगों को आपस में बांधने के लिए अभी अलग अलग है, हम वही सूप का धागा यूज करेंगे जो ये धागा था। ये धागा भी सेम ही है, बस कलर का डिफरेंस है। ये अलग अलग शॉप से लिया था मैंने। तो हम जो लेंथ लेंगे वो एक हाथ जितनी ले रहे हैं, एक हाथ जितनी लेंथ लेंगे और कैंची से काट देंगे। फिर इस पतंग की पतंग को उल्टी साइड में रखेंगे इसे, और जो पीछे वाला जो करना है उसमें डोरी डालकर अच्छा मार्जिन लेके बांधेंगे। अगर आप अच्छा मार्जिन लेके नहीं बांधते, जैसे ये मैंने बांध के दिखाता हूँ आपको, आपने अगर नॉर्मली बांध दिया और हवा में से प्रेशर पड़ा तो ये खुल जाएगा और सारी पतंगें उड़ के चले जाएगी। इसलिए आपको बांधना कैसे मैं सिखा देता हूँ। ऐसे लेना है, अच्छा मार्जिन लेना है, टाइट नॉट, अब दूसरी टाइट नॉट। अभी बांधने के बाद आपको खींच के देखना है खुल तो नहीं रहा है। अब अगले पे रहते हैं, तो अगली जो पतंग होगी वो ऐसे होना चाहिए, इसके ऊपर ऐसे मत लगा दीजिएगा, ऐसे होनी चाहिए इसके इसके बैक साइड पे इसका चमक वाला फ्रंट आना चाहिए। इसको भी हम रखेंगे ऐसे और सेम उसी तरह से अच्छा मार्जिन लेके एक नॉट टाइट, दूसरी नॉट। आप तीन नॉट भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो तीन लगाएंगे इस वाले में, ये तीसरी नॉट। अब हम खींच के देखेंगे कि खुल तो नहीं रहा है, नहीं खुल रहा है। इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो सारी पतंगे उड़ के चले जाएगी। मैं ये सब बांध लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में पतंग उड़ानी कैसे है और ये सब पतंग ऊपर जाएगी कैसे। तो हम छत पे आ गए और हमें ये जो पतंग है इसको सबसे पहले उड़ाना पड़ेगा। ये डेल्टा काइट बोलते हैं इसको, काइट फ्लाइंग की भाषा में। ये ऊपर जाके सारी काइट को खींचती है, मतलब असलियत में ये काइट उड़ती है और उस काइट पे हम यहाँ पे पतंग बांध देते हैं सारी। तो इसका जो प्रेशर है ये उन पतंगों को उड़ा के ले जाता है। तो पहले हम इसको अच्छी हाइट पे उड़ाएंगे जिससे ये अच्छा से प्रेशर लगाए, और फिर धागा काट के इसमें हमारी जो वो सब पतंग है वो जोड़ देंगे। अभी इसको हम नॉर्मल धागे से उड़ा रहे हैं जो नॉर्मली सब जगह मिलता है। चलिए इसे उड़ाते हैं। पतंग बिल्कुल ऊपर सेटल हो चुकी है, पतंग दिखा दो, पतंग सेटल हो चुकी है। अब यहाँ से हम धागे को ब्रेक करेंगे। धागा ब्रेक हो चुका है, देखिए। अब वहां से ढील मत दीजिए तो पतंग आगे चले जाएगी। अब हमारी पतंग सभी सूटकेस में पड़ी हुई है, तो पतंग का जो फर्स्ट एंड है, हमारी जो ढेर सारी पतंगे हैं इसमें हम इसे बांध देंगे। आप अच्छे से बांधिएगा, नहीं तो खुल गया तो ये सारी पतंगें चले जाएगी। अब इसमें एक और ट्रिक है जो हम सेफ्टी के लिए करेंगे, एक और लटारी लाएंगे हम सेफ्टी के लिए। यहाँ पे हम एक और लटारी है उससे मांझा बांध रहे हैं ताकि ये पतंग टूट गई यहाँ से, तो हमारे पास ये जो हमारी ढेर सारी पतंगें ये सेफ लेगी, सिर्फ जो ऊपर उड़ रही वो जाएगी। बस अब आप उधर चले जाइए इसको लेके। मनु ढील दो, मेरे को हाँ ढील दे दो, छोड़ दो मेरा हाथ।
चीज तो इजीली जा चुकी है। हम चाह रहे हैं पूरा सूटकेस खाली कर दें आज। तो इसके लिए ढेर सारे जने साथ में रखिएगा, अकेले या फिर दो जने उड़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे एक जना इस मंजिल पतंग संभाल रहा है, एक जना छोड़ रहा है, एक जने लटारी पकड़ रखी है। दोस्तों देखिए कितनी पतंगे उड़ गई है, और उड़ा और उड़ा। इस तरह से आप भी ढेर सारी पतंगे उड़ा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये सब्सक्राइब करके जरूर देखिएगा इस चैनल पे।